हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन समझेंगे ब्लूप्रिंट ज्योग्राफी का। तो ये कक्षा 12 की ज्योग्राफी का मैं आज आपको कम्प्लीटली ब्लूप्रिंट समझाऊंगा। बहुत ही इजी वे में आपको हर चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। इसमें हम समझेंगे अंक भार क्या रहेगा इकाई के अनुसार, क्योंकि इसमें इकाई है, और फिर इकाई के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं ये भी समझेंगे, और कौन सी इकाई से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों जो बुक्स हैं उसका कम्प्लीट यहाँ पर जब आप ब्लूप्रिंट समझ लोगे तो आपको अपनी तैयारी करने में बहुत ही जो है वो सुविधा रहेगी। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो एक बार इकाई बार हम इसका अंक भार देख लेते हैं कि इकाई के अनुसार मतलब कौन से इकाई में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सी इकाई कितने नंबर की है। तो अगर हम बात करें बुक फर्स्ट की, हमारी जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें 3 इकाइयां हैं टोटल। तो जो पहली इकाई है, इस पहली इकाई में आपका अध्याय पहला, पहली इकाई में एक अध्याय को शामिल किया है, और ये पहली इकाई अपनी 3 नंबर की है, ध्यान दीजिएगा। तो इस इकाई में से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यूज कौन से इकाई से पूछा जाएगा, रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, ये कम्प्लीटली हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो ये जो पहली बुक है, इस पहली बुक में पहली जो इकाई है वो आपकी 3 नंबर की है, दूसरी जो इकाई है ये है अपनी 5 नंबर की। मतलब दूसरी इकाई में 2 अध्याय हैं, इसमें पहला और इसमें दूसरा और तीसरा 2 अध्याय हैं, और ये दूसरी इकाई रहेगी बच्चों अपनी 5 नंबर की। तो ध्यान से समझिएगा, 5 नंबर के प्रश्न आपकी दूसरी इकाई में से पूछे जाएंगे। इकाई तीसरी जो है इसके बाद में, ये थोड़ी बड़ी इकाई है, और इस तीसरी इकाई में हमारा अध्याय नंबर 4 से लेकर के 8 तक जो है वो इसमें अध्याय है, और ये है अपनी टोटल 18 नंबर की। तो 18 नंबर के प्रश्न इस तीसरी इकाई में से पूछे जाएंगे, और एक आएगा मानचित्र वाला प्रश्न, 2 नंबर का एक मानचित्र का प्रश्न पूछा जाएगा। तो मानचित्रों को भी हम करेंगे। इस तरह देखिए कि 18 और 2 20 और 5 25 और 3 28, तो ये अपना रहेगा 28 नंबर का। ये बुक फर्स्ट जो है ये रहेगी अपनी 28 नंबर के, मतलब आपके 28 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से हम इकाई बार एक बार बुक सेकंड जो है उसका भी देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन की संख्या किस में से कितने पूछे जाएंगे। तो देखो अगर हम बात करें अपनी बुक 2 जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था करके है, इसमें टोटल 5 इकाइयां दी हुई है, और ये 5 इकाई इस प्रकार रहेगी। इकाई फर्स्ट है ये 3 नंबर की है, इसमें अध्याय पहला दिया हुआ है, तो पहला अध्याय यानी पहली इकाई 3 नंबर की है। इकाई दूसरी है वो 2 नंबर की है, इसमें अध्याय दूसरा दिया हुआ है। फिर इकाई तीसरी जो है ये 14 नंबर की है, इसमें अध्याय 3 से लेकर के 6 दिया हुआ है, ये बड़ी इकाई है और इसमें से बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है इकाई चौथी, ये 4 नंबर की है, इसमें भी 2 अध्याय हैं, 7वां और 8वां, और फिर एक है ना इकाई 5, इसमें से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें अपना अध्याय नंबर 9 जो है वो शामिल किया गया है। तो ये एक रहेगा मानचित्र का और 2 नंबर का प्रश्न। तो इस तरीके से ये भी टोटल रहेगा अपना 28 नंबर की, इसमें से इस बुक में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम एक एक करके समझेंगे कि प्रश्नों की संख्या किस प्रकार रहेगी, इकाई वार जो है वो किस इकाई में से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें अपनी इकाई फर्स्ट, नहीं यहाँ पे इकाई दी हुई है कि इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, थर्ड, तो देखो अगर हम पहली इकाई की बात करें तो ये हमारी पहली जो इकाई है इसमें से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। बुक फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखना ये हमारी बुक फर्स्ट है, और इस बुक फर्स्ट में ये बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट जो है इसमें से जो इसमें 3 इकाइयां हैं, इसमें से जो पहली इकाई है, इस पहली इकाई में से एक आएगा एमसीक्यूज, रिक्त स्थान इसमें से नहीं पूछा जाएगा, एक आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न। इस तरीके से पहली इकाई से टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं ये जो पैटर्न है इसके अनुसार आपको 10-10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाऊंगा, मैं आगे बताता हूँ कैसे करवाऊंगा। इसके बाद अपनी दूसरी जो इकाई आती है, दूसरी इकाई में से बच्चों 2 तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे परीक्षा में, इसमें से एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरीके से टोटल हो गए 6 प्रश्न। तो ये दूसरी जो इकाई है हमारी, इसमें से टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। फिर आता है तीसरी इकाई, तीसरी इकाई में से 5, क्योंकि तीसरी इकाई बड़ी है, 4 से लेकर के आपका जो है वो 8वां अध्याय है, तो इसमें से 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे।
चार रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, दो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तीन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एक दीर्घ उत्तरीय रहेगा और एक निबंधात्मक रहेगा। तो देखो जो एक बड़ा प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय इसमें से, और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा वो भी इकाई तीसरी में से आएगा, यानी चौथे से लेकर के जो आठवां अध्याय उसमें से आएगा। और इस तरीके से टोटल अपने 16 क्वेश्चन हो गए, 16 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ये प्रश्नों की संख्या ध्यान रखना, नंबर नहीं है, नंबर टोटल 28 नंबर का रहेगा अपनी पहले बुक। इसके बाद एक मानचित्र पूछा जाएगा, दो नंबर का मानचित्र रहेगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये है अपनी पहली बुक का ब्लूप्रिंट, है ना, बुक फर्स्ट जो है उसका ब्लूप्रिंट आपका हो गया इस तरीके से। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। और अब समझेंगे जो सेकंड बुक है उसका भी ब्लूप्रिंट मैं समझा देता हूँ। सेकंड बुक में टोटल 5 इकाई है, तो जो पहली इकाई है सेकंड बुक की पहली इकाई, इसमें से 2 MCQs पूछे जाएंगे, 2 MCQs, एक रिक्त स्थान, अति लघु उत्तरात्मक इसमें से नहीं पूछा जाएगा, एक लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय इसमें से नहीं पूछा जाएगा, निबंधात्मक भी नहीं पूछा जाएगा, और कुल इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद है अपनी दूसरी इकाई, दूसरी इकाई में से MCQs नहीं पूछा जाएगा, इसमें से एक रिक्त स्थान आएगा, अति लघु उत्तरात्मक नहीं आएगा, एक आएगा लघु उत्तरात्मक, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय भी इसमें से नहीं आएगा, निबंधात्मक भी नहीं आएगा, और इसमें से ओनली 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों तीसरी जो इकाई है अपनी, तीसरी इकाई में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQs टाइप के, बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर अपने इसमें से पूछे जाएंगे 3 प्रश्न रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा, इसमें से लघु उत्तरात्मक नहीं पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2 और निबंधात्मक रहेगा 1। जो ये तीसरी इकाई है दोनों अध्याय में, तीसरी इकाई जो है वो बड़ी इकाई है, और तीसरी इकाई में जो दीर्घ उत्तरीय और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो दोनों किताबों में तीसरी इकाई से पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल रहेंगे 10 प्रश्न, ठीक है, 4 प्रश्न, 2 प्रश्न, 10 प्रश्न। फिर चौथी इकाई आती है, चौथी में 2 MCQs पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान इसमें से नहीं है, इसमें से अति लघु उत्तरात्मक भी नहीं है, फिर इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक नहीं पूछे जाएंगे, तो टोटल 4 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद पांचवी जो इकाई है बच्चों, तो पांचवी इकाई में 1 MCQs पूछा जाएगा, इसमें से रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा, एक इसमें से अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न लघु उत्तरात्मक पूछा जाएगा, फिर दीर्घ उत्तरीय भी इसमें से नहीं है और निबंधात्मक भी नहीं है, 3 प्रश्न जो है वो इस इकाई में से पूछे जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक है मानचित्र, तो ये मानचित्र जो है वो हमारा 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, तो ये 2 नंबर का अपना मानचित्र वाला जो है वो प्रश्न रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बार प्रश्नों की संख्या बता देता हूँ कि किस टॉपिक में से कितने प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों की संख्या के किस प्रकार के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भूगोल में अगर हम बात करें बच्चों, तो टोटल अपना जो है ना यहाँ पे प्रश्नों की संख्या रहेगी, प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या हमने इकाई बार तो देख लिया किसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम MCQs कहते हैं बच्चों, तो ये वस्तुनिष्ठ यानी MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पूछे जाएंगे बच्चों 16 प्रश्न, टोटल 16 MCQs पूछे जाएंगे। और इस 16 जो प्रश्न रहेंगे प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का रहेगा, तो ये टोटल आपके 8 नंबर के हो गए, 8 नंबर हो गए आपके, ठीक है, तो ये 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, टोटल 16 MCQs आएंगे। अगर इसके बाद बात करें रिक्त स्थान की, रिक्त स्थान वाले अगर प्रश्नों की बात करें बच्चों, तो रिक्त स्थान के जो आपके प्रश्न हैं, रिक्त स्थान के प्रश्न ये आपके 10 पूछे जाएंगे, है ना, 10 प्रश्न रिक्त स्थान के रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा आधे नंबर का। तो इस तरीके से ये 5 नंबर के प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपके रिक्त स्थान के रहेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना लघु उत्तरात्मक प्रश्न, नहीं फिर इसके बाद अति लघु उत्तरात्मक आता है, तो अति लघु उत्तरात्मक जो है ना, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न रहेंगे बच्चों ये आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 7 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो ये आपका हो गए 7 नंबर हो गए, ओके। इसके बाद फिर आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तो ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 10, लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपके 10 पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1.5 नंबर का, 1.5, तो इस तरीके से ये आपका रह जाएगा बच्चों 15 नंबर आपके हो जाएंगे, तो 15 नंबर के आपके पूछे जाएंगे
लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। इसके बाद समझिएगा जो दीर्घ उत्तरीय तीन प्रश्न रहेंगे, है ना, दीर्घ उत्तरीय जो तीन प्रश्न आपके रहेंगे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है बच्चों टोटल तीन प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न तीन नंबर का रहेगा, तो इस तरीके से हो गया नौ नंबर, ओके। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, निबंधात्मक प्रश्न बच्चों रहेंगे, तो ये निबंधात्मक प्रश्न आपके दो रहेंगे, तीसरी इकाई, दोनों जो बुक है उसमें से तीसरी इकाई में से दो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न रहेगा चार नंबर का, तो इस तरीके से ये हो गया अपना आठ नंबर के आपके हो गए। फिर इसके बाद मानचित्र पूछा जाएगा, तो दोनों किताबों में से एक एक मानचित्र आएगा, दो दो नंबर का मानचित्र आएगा, तो मानचित्र के टोटल आपको मिलेंगे दो प्रश्न बच्चों, और ये प्रत्येक प्रश्न रहेगा दो नंबर का, तो इस तरीके से अपने ये हो गए चार नंबर, तो ये चार नंबर आपका रहेगा मानचित्र का, तो इस तरीके से प्रश्नों की संख्या हो गई टोटल 50। इस तरीके से प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी बच्चों, प्रश्नों की कुल संख्या ये आपके है 50, ठीक है, प्रश्न रहेंगे 50 और आपके कुल मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे बच्चों 56 नंबर का जो है वो आपकी ये जो रहेगा पेपर जो आपका बोर्ड का रहेगा वो रहेगा 28+28, दोनों किताबों में से 28+28=56 नंबर। तो ये है अपना कंप्लीटली ब्लूप्रिंट, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमने कम्प्लीटली ये जो ब्लूप्रिंट देखा है, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम रिवीजन कर रहे हैं पूरे इसका बुक का, दोनों किताबों का रिवीजन, कंप्लीट कोर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन में अभी फिलहाल हमने 5 जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बाकी चैप्टर जो है वो पर डे एक एक चैप्टर हम कर रहे हैं, 18 दिन का हमारा टारगेट है ज्योग्राफी का, इसी तरीके से हमने हिंदी कंपल्सरी का भी रिवीजन चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज हमने रिवीजन का फिक्स शेड्यूल कर दिया है, एग्जाम से पहले हम कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, और हमारे सारे के सारे कोर्सेज, हमारे मॉडल पेपर्स, हर चीज़ हमारी इस ऐप में मिलेगी बच्चों। ये हमारा ऐप है, आप चाहो तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी मैं बताता हूँ, इस ऐप में आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इंग्लिश कंपल्सरी के, हिंदी कंपल्सरी, हिंदी साहित्य, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोर्सेज में हमने चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न के अनुसार हमने वहाँ पे कंप्लीट आपको टॉपिक समझाए हुए हैं, जहाँ पे आपको मॉडल एमसीक्यूज के रूप में आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, फिर हमारे वीडियोस मिलेंगे, फिर वहाँ पे आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसकी जो टेस्ट सीरीज होती है वो वहाँ पे आपको मिलेगी, और कंप्लीट आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दी हमने। फिर इसी में आपको यहाँ पे मॉडल पेपर्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के हमने 10-10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको 10-10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना हमारे जो वीडियोस हैं वो मिलते हैं, पीडीएफ है, नोट्स है, एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। मैं इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारा एक नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, तो जब व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो हमारे ग्रुप की, व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसकी लिंक मिलेगी आपको, उस ग्रुप में हम हमारे वीडियोज़ की पीडीएफ शेयर करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं, हमारी जो लाइव क्लास होती है उस लाइव क्लास का नोटिफिकेशन हमारे इसी ग्रुप में आपको मिलता है, आप लाइव क्लास में भी अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, आपको मैसेज करते ही वहाँ पर लिंक्स मिलेंगे, अलग अलग लिंक मिलेंगे, हमारे ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे WhatsApp चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे Telegram चैनल का लिंक मिलेगा, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ऐप का लिंक मिलेगा, हमारे कोर्सेज का लिंक मिलेगा, हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो सारे लिंक्स वहां पे मिलेंगे, आप उससे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी हर चीज आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें चाहो तो फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो, हमारी वेबसाइट और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इन सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और इस ग्रुप आप इस WhatsApp पे जब मैसेज करोगे तो वहां पर भी आपको हमारे सारे लिंक्स मिल जाएगी। तो बच्चों ये हमने समझा है फिलहाल ज्योग्राफी का ब्लूप्रिंट, इससे पहले हमने हिस्ट्री के ब्लूप्रिंट को कंप्लीटली समझ लिया है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बोर्ड के पेपर्स हैं, मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किए, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट के हम 10-10 मॉडल पेपर्स आपको अवेलेबल कराएंगे। हमने आपके लिए बच्चों ऐप में ये सारी सुविधाएं दी हुई है। हमने एक और चीज आपको बता दूं कि हिस्ट्री के
हिस्ट्री के हमने 5000 प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही है, आप कंप्लीटली अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत बहुत हेल्प मिलेगी आपको। 5000 प्रश्न उत्तर ये आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। इसी तरीके से हमने इसी सीरीज को पॉलिटिकल साइंस में भी शुरू किया है, तो ये पॉलिटिकल साइंस में भी आपको यही हमारी 5000 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी बच्चों। इसी तरीके से हमने हिंदी साहित्य में हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज शुरू करी है, ठीक है। हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी ये हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही है। और ये सारे प्रश्न की सीरीज जो है ना, वैसे तो यूट्यूब पे भी हम अवेलेबल कराते हैं, लेकिन कंप्लीट अगर आप एक साथ एक जगह देखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आया हो, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप हमें ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे ऐप में आपको हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए चैट का ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। ये जो ब्लूप्रिंट जितने भी सब्जेक्ट वाइज सारे ब्लूप्रिंट हैं वो मैं उसकी पीडीएफ जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। वैसे हमने पहले से ही भेज रखे, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको वहाँ पर क्योंकि पहले वाला मटेरियल नहीं दिखेगा तो मैं फिर से उसे वापस वहाँ पर सेंड कर दूंगा, तो आपकी सारे ब्लूप्रिंट जब वो सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हमारा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली वहां पे हम जो आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट वो वहां पे आपको शेयर करते हैं और हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।